वाकई को ऐसा तूल दिया
जिस पर पूरा शहर बंद हो गया, उस प्रोग्राम में वो क्यों नहीं आए? ये सवाल आपको अपने आप से करना नहीं करना है। और जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए उनसे बिरादरी समझ के नहीं जेल में गए, वो इसलिए जेल में गए कि मजदूर की शादी में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वो हर मजहब के लोग थे, हर धर्म बिरादरी के लोग थे, लेकिन उसमें मुसलसल साजिश है। सिर्फ एक मुस्तकीम निकले नहीं सियासी आदमी था, बड़ा नाम, जो जेल में गया और गिरफ्तार होकर नहीं गए, अपने खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल में जाकर सुप्रीम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया। ये तो वो है कि लोगों पे हमला करवा देते हैं और ये समझते हैं कि हम बहुत कई दवा नहीं देंगे, लेकिन जब पुलिस FIR और जांच का डर आता है तो वे बीजेपी के दलाल अजीत पवार के कदमों में गिर जाते हैं। ये है उनकी बहादुरी। हजार परिवार में अगर कोई उनको डराने की कोशिश करता होगा तो सबसे बड़ी मिसाल तुम्हारे सामने शाने हिंद है, जो बिना वालिद की मौजूदगी के, बिना भाई की मौजूदगी के, जिसने शहर जेल में रहा, उसके बाद भी अपनी दो बच्चियों को पालते हुए संभालते हुए मैंने सालों में ये साजिश करने वाले के खिलाफ एहतजाज किया। अगर ये बहुत बड़े ढूंढे थे, बहुत मैं ये कोशिश करूंगी कि मंगलवार शहर में ऐसा सरकारी हॉस्पिटल बन जाए
आप लोगों की समझ में आती है, अपने दिल से आप सवाल करें, सवाल करें हिंदुस्तान ने किस शहर को क्या दिया, और अपने आप से सवाल करें हमको क्या दिया, तुम्हारे दिन तुम्हारे जमीन तुमको जवाब देगा। मैं जमीन से आप लोगों के सामने खड़ी हूँ कि आप अच्छाई और बुराई के बीच में फैसला करें। अच्छाई सिर्फ अच्छा अच्छा बोलने को अच्छा नहीं होता, अच्छा वो होता है जो अच्छा काम करता है। मैं अच्छा है तब वो अच्छा नहीं होता, जो खुद को अच्छा बोलते हैं वो अगर तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं तो उनसे पूछो कि तुमने जिसकी वजह से तुम हमारी ओर के लायक हो, उनसे ये सवाल करो। जो लोग 15 साल वाले लोग चेहरे में सियासत किए अकेले रहे, जिनके वाली वाला मेयर रहे, उन्होंने हमारे गाँव शहर का साफ पानी जो हमको नेचुरल यानी नेचुरल ढलान से बहकर आता था, साफ पानी उसके लिए पंपिंग के लिए कितना टाइम जैसा पावर खर्च नहीं हो रहा, हमारी नल पट्टी मुसल कर पड़ रही है इसलिए कि हम कितना टाइम का पानी ज्यादा ले रहे हैं जल वाटर। इस सारी चीज का मैंने मानव शहर की बर्बादी और अपने मेयर बनने की लालच में हमारे गाँव शहर का फंड जो 70% आया शहर का मशीनी हिस्सा, हमारे गाँव शहर के नदी के इस पार का हिस्सा जो टैक्स देता है, वो टैक्स का पूरा इस्तेमाल नदी के वो पार दादा भीजे ने किया और ये लोग फार्मेसी से उनके सामने छुपे सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को मेयर बनने की चाह। और हमारे गाँव शहर आज तक ये भुगत रहा, हमारा हॉस्पिटल चला गया, हमारा फंड चला गया, हमारा पानी चला गया, लोगों के पानी जब तक हमारे गाँव शहर की कारपोरेशन थी और हम लोग आवामी दबाव के जरिए उसको रोकते थे, चंदापुर में जाकर तलवार डैम पे जाके जो पानी की पाइप लाइन दावारी में थी वो वही चंदा डैम वाले और समाजवादी की जो लोग है वो लोग जाकर पाइप लाइन की गाड़ी में करते थे। लेकिन जब ये कारपोरेशन का टाइम खत्म हुआ और कलेक्टर के पास ये फैसला गया इस मीटिंग में मुफ्ती इस्माइल गए हाजिर हो रहे, वो भी दादा भूसे के मुर्दों में रहे। आज मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत इसी गलियों से की है। अगर मैं पहली बार इतने बड़े इलेक्शन में लड़ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जिनके सामने मैंने अपना बचपन गुजारा है, बुरे निर्बार ने जिनके सामने अपना जिंदगी की शुरुआत और आत्मा किया वो लोग मेरा साथ दे। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आने वाली नस्लों के बेहतरी के लिए, आने वाले वक्त के लिए, हमारे कुओं के लिए, सीधा परस्पर का साथ देने वाले लोगों ने इस शहर से खत्म करो। मैं खातून हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं औरतों की तकलीफ उनके मसाले सुन भी सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ। आप लोग मेरा साथ दें, मेरा निशान साइकिल है। मैं ये मानती हूँ कि आप लोग अपने जमीन की आवाज पर लगता है करते हुए मेरे साथ देने का फैसला करें। आपके सामने अगर इस शहर में उनका क्या प्रोग्राम है या वो क्या शहर देना चाहते हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके सामने बात रखेंगे। मैडम मैंने आपकी स्पीच सुनी है, आप तब्दीली और बदलाव की बातें कर रही हैं। मेरा सवाल मैं चूंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं आपसे हेल्थ से मुताबिक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो मालेगांव का हेल्थ सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है, क्या आप इसकी कारकर्दगी से मुतमईन है? जाहिर नहीं होंगी, तो अगर नहीं है तो इसमें तब्दीली और बदलाव के लिए आपकी प्लानिंग क्या? देखिए मालेगांव शहर में आप किस सेकेंडरी में पूछना चाह रहे हैं? मेडिकल हेल्थ सिस्टम से बता। हमारा प्रोग्राम ये है कि मालेगांव शहर के जो हॉस्पिटल हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, उसमें जो रेफर करते हैं पेशेंट को शहर से बाहर, उसकी वजह यह है कि 2 बजे हमारे पास स्टाफ नहीं है और दूसरा हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं। अगर किसी हमला औरत को जिनका सिजेरियन होने वाला है उनका ऑपरेशन मालेगांव में नहीं होता, इसलिए कि वहाँ उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, या कहते हैं कि बच्चा कमज़ोर है, या तीसरा सीजर है, उसकी वजह यह है कि
गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ एक जनरल सर्जन और एमडी डॉक्टर चाहिए, लेकिन हमारे पास एमडी डॉक्टर और दूसरा जनरल सर्जन नहीं होता, इसलिए ये लोग भेज देते हैं दूलिया। दूसरा ये कि बच्चों के लिए NICU जो चाहिए वो यहाँ नहीं है, अगर बच्चा कमजोर पैदा होता है तो वो यहाँ रखने का इंतजाम नहीं, और औरतों के लिए ICU का स्टाफ नहीं, इसलिए बाहर गाँव भेजा जाता है। अगर हम यहाँ पे वो इंतजाम कर लेंगे ICU NICU और स्टाफ, तो हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरा हॉस्पिटल तैयार है, सिर्फ हमारे पास टेक्नीशियन स्पेशलिटी वाले लोग नहीं। अगर हम ये इंतजाम कर लेंगे जो मैं वादा कर रही हूँ शहर से, कि अगर हम इक्तदार में मैं मालेगांव शहर का नुमाइंदा बनती हूँ, तो हम टेक्नीशियन के साथ साथ स्पेशलिटी रखने वाले डॉक्टर लाएंगे, ताकि लोगों को शहर से बाहर न जाना पड़े, ये मेरी सोच। पूछना चाहे तो 5 मिनट में पूछ ले, पूछने दे पूछने दे। हेलो, मैं स्टूडेंट हूँ, क्या क्या मालेगांव में स्कॉलरशिप बच्चों को क्यों नहीं मिल रही, और मालेगांव में एक भी सरकारी कॉलेज क्यों नहीं है? आप एक MLA के तौर पर इसका बात कीजिए। देखिए, मालेगांव शहर में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ये पहली बात है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा स्किल है, हमारे यहाँ बच्चे बहुत एबल है, यही बच्चे जब शहर के बाहर जाते हैं ना, तो वो मालेगांव शहर का नाम ऊंचा करते हैं, लेकिन मालेगांव शहर में रह के इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। उसकी वजह है कि यहाँ इनको गाइडलाइंस देने वाले लोग सही नहीं, खास तौर पे वो लोग जो इक्तदार करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो खुद कुछ नहीं जानते, तालीम याफ्ता नहीं। और कॉलेज जो लाने की बात आपने कही, कॉलेज लाने के लिए कोशिश किसी नुमाइंदे ने नहीं की, असल में नुमाइंदे यहाँ जाहिल आए या फायदा कमाने की कोशिश करते रहे। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, तो जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर में फॉर्म में से माइनॉरिटी कॉलेज लाई थी, सिर्फ इसलिए कि जब मालेगांव शहर में एक ही मेडिकल स्टोर थी और फसाद के वक्त वो हिंदू एरिया में थी, लोग जा नहीं पाते थे, उसी वक्त निहाल साहब ने यह तय कर लिया था कि मैं ऐसी कॉलेज मालेगांव शहर में लाऊंगा कि हर गली में एक मेडिकल स्टोर होगी। तो ये समझ लो, मालेगांव शहर की जो फार्मेसी कॉलेज है वो सरकारी कॉलेज ऐसी है फार्मेसी की, कि डीफॉर्म के पूरे महाराष्ट्र में अगर 20 स्टूडेंट मुसलमान होते हैं, तो अकेले मालेगांव की निहाल अहमद की जो फार्मेसी कॉलेज है उसमें 40 स्टूडेंट होते हैं। ये तोहफा था, और वही काम मैं करने की कोशिश करूँगी। और किसी को पूछना है? माने ये पूछना, मालेगांव में कहीं का स्टेडियम क्यों नहीं है? क्या खेल का स्टेडियम मालेगांव शहर में? खेल का जगह जो है, एक जगह है राजीव कल्लू स्टेडियम, जिसको इस्तेमाल के लायक नहीं बना जाता है, मतलब उसको ऐसा बनाया नहीं गया है कि कुश्ती वाले कुश्ती के लिए वो मुनासिब जगह हो, या वो जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनके लिए मुनासिब जगह हो। बेहतर ये है कि अगर उस पर अच्छी फंडिंग की जाए, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से पैसे ला के उसको खेल के लिए बनाया जाए, तो हमारे पास बहुत बड़ी जगह, 17 एकड़ की जगह है हमारे पास। और किसी से पूछना है तो मुझे भी एक सवाल पूछना है। हमारे शहर के अंदर जो मुसलसल नल पट्टी बढ़ रही है, इसके ताल्लुक से कहना चाहिए कि पूरा शहर परेशान है, तो उसके ताल्लुक से आप लोग इंशाल्लाह कभी असेंबली हाल पहुंचे, अल्लाह करे आप कामयाबी आप लोगों एक कदम चूमे, तो इसके ताल्लुक से आप लोग क्या कहने चाहते हैं? जो भी लोग ये बोलते हैं कि 5% पानी पट्टी हम कम करेंगे, सच मानो में उन्हें ये समझ ही नहीं रहा है कि 5% पानी पट्टी कम कैसे होगी। 5% जब बिरला डैम की स्कीम आई ISDP की, तो उसमें ये शर्त थी कि ना नफा ना नुकसान की बुनियाद पर पानी दिया जाएगा, और
उस स्कीम के हिसाब से 5% पानी पट्टी बढ़ती गई। हम लोग जो बार बार बोलते हैं कि तलवाड़ा की पाइपलाइन शुरू करो, जो अभी शुरू हुई वो हम लोगों की ही कोशिश से शुरू हुई। मालेगांव शहर में ऐसा हुआ कि पिछले 15 सालों से धीरे धीरे तलवाड़ा का पानी कम कर दिया गया और गिरना डैम का पानी लेता है, नहीं लेना शुरू किए। गिरना डैम के पानी को पंपिंग से लेना पड़ता और वो पानी पे 12 से 13-14 करोड़ बिजली का बिल है। गिरना डैम किराए का डैम है, हमारा खुद का मिल्कियत नहीं है, उसका किराया देना पड़ता। दूसरी बात है कि खर्च बढ़ रहा है और तलवाड़ा का जो पानी है वो नेचुरल फ्लो से आता। अगर हम 50% पानी तलवाड़ा से लेना शुरू कर दे और 50% पानी गिरना डैम से लेना शुरू करे तो ना नफा ना नुकसान का जो वो बना हुआ है, यानी एक स्टेज जो आई है, वो पैरेलल हो जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश है कि जैसे ही चुन के आएंगे हम सबसे पहले 50% से ज्यादा पानी तलवाड़ा से लेंगे और वो पानी पट्टी हम अपने आप कम कर देंगे। ये एकदम सीधा सीधा उसका हाल है। ये मालेगांव के मौजूदा MLA और साबिक MLA को इतना भी अगर समझ होंगी तो मेरे सामने बात कर ले। पानी पट्टी इंशाल्लाह हर हाल में कम करके बताएंगे। बस अब 2 मिनट का टाइम है, मुझे भी एक सवाल पूछना है। अभी आप लोगों ने वहाँ कमिश्नर के साथ धरना दिया पानी जो है एक दिन नागे से कराने के लिए, तो शान इन साहिबा भी वहाँ बैठी थी, तो उनको ये आश्वासन दिया था कि हमारे जो काम करने वाले लोग इलेक्शन मीटिंग के लिए नासिक वगैरह गए तो आएंगे तो 8 दिन में फैसला करेंगे। उस बात को 2 महीना हो गए लेकिन आज तक एक दिन नागे पानी से कोई बात ही नहीं बढ़ी आपकी। बिल्कुल सच बात है। 4 साल की पोजीशन में पहली बार ऐसा हुआ कि चंकापुर डैम और गिरना डैम दोनों ओवरफ्लो हो गया, मगर ओवरफ्लो होने के बाद भी सही बात यह है कि कॉरपोरेशन में जो वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट है वो पूरा कोलैप्स हो गया, वहाँ पर अब लोग ही नहीं है। आज की पोजीशन ना किसी लीडर ने वो जो इक्तदार में रहे वो कोशिश किए, और अगर आगे जब तक कॉरपोरेशन का वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हम सही ढंग से नहीं लाएंगे, आज जो पुराने लोग थे जो जहीर साहब मोहम्मद साहब ये सब लोग रिटायर हो गए, श्री भवन अब कोई वहाँ बचा ही नहीं है, ये समझ लो कि आज तुमको नल आ रहा है पानी आ रहा है बस खोलने वाले आदमी है, नहीं तो ऐसे हालात है कि वो भी नहीं हो सकता। मगर वो किस तरह से सुधरेंगे यही है कि वो डिपार्टमेंट में नए और अच्छे काबिल लोगों को लाया जाए, काबिल लोगों को वाटर सप्लाई में बैठाया जाए तो ही वो काम हो सकता। बस ये आखिरी सवाल है। आर्मी और पुलिस स्टेशन के ये जो कर्मचारी की ट्रेनिंग होती है क्या वो मालेगांव में हो सकती है और क्या ट्रेनिंग कैंप डाल सकते हैं मालेगांव में? ये बहुत नौजवानों का मुस्तकबिल का सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर स्कीम आई थी, BJP सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, मालेगांव शहर में सबसे पहले हमने हिमायत की थी, वो स्कीम लागू होना चाहिए। दूसरे लोग मुखालफत करते हैं वो अलग बात है, अक्सरियत जो है अक्सरियत में जो लोग हैं वो नौकरी पा लेते, मुसलमान नौकरी पा नहीं सकता, अगर उनको वो 3 साल की भी नौकरी मिलती है तो अच्छी बात है। और अग्निवीर के नाम पे हम एक कैंपस मालेगांव में भी बना सकते हैं और हम उसकी कोशिश करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अग्निवीर स्कीम है उसका कैंपस ट्रेनिंग का एक मालेगांव में बने और वो ट्रेनिंग का कैंपस बनेगा तो भले ही 3 साल के लिए क्यों ना हो हमारे लोग उसमें नौकरी में लग सकते। तलवाड़ा के ही पानी के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। अब पर आखिरी सवाल मेरा है कि अगर 23 तारीख को शान इन MLA बन गई तो वो शहर और घर दोनों कैसे संभालेंगी? सियासत में मैं शादी से पहले से हूँ और मैं शादी से पहले और शादी के बाद भी सियासत में हूँ। उस वक्त भी मैं घर बखूबी संभाल रही थी और सियासत में सदारत भी बखूबी कर रही थी, जैसे करते आई हूँ वैसे ही करूँ। तो साइकिल दिलाई भी जाएगी, आप 20 नवंबर को साइकिल पर भरपूर ओर दीजिए, आप
तब्दीली की दस्तक के नाम से जो 20-25 हजार लोग सुन रहे हैं, आप लोगों का शुक्रिया, आपने हमारी बात सुनी। आप अपने जमीन की आवाज पर एक आखिरी सवाल ले रहा है। हेलो मुस्तकीम भाई, एक आखिरी सवाल ले रहा है, आप गौर से सुनिए। 2014 में मुफ्ती साहब इलेक्शन हार गए, उसके बाद 2019 में मुफ्ती साहब इलेक्शन जीते और वो आप लोगों का उसमें 50% हाथ था जिताने। तो आज अब इसके ताल्लुक से क्या होता, आप ही लोगों ने तो मुफ्ती साहब को जिताया 50%। मुफ्ती साहब 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद पहली मीटिंग ली, पूरा शहर जानता है कि उन्होंने एक बात बोला कि अगर मुस्तकीम डिग्निटी नहीं होता तो मैं इलेक्शन नहीं जीतता। अब मुस्तकीम डिग्निटी उधर नहीं है, यही जवाब है कि आप मुस्तकीम डिग्निटी उधर नहीं है, इधर है। और मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि हम इलेक्शन जो है जीतने के लिए आए हैं, इलेक्शन का पूरा हर चीज की तैयारी हमारी है और इलेक्शन हम हर हाल में इंशाल्लाह जीतेंगे। बस आपकी ताकत, आपका जोश, आपकी दुआएं हमको चाहिए। और यहाँ से जाने के बाद आप अपने तौर पर सिर्फ इतना सुन लेना और चले जाना, इलेक्शन नहीं है। हमारी कोशिश सब अपनी जगह है, रैली जलसा जुलूस, मगर आप लोग जो है यहाँ से जाने के बाद लोगों को समझाइए कि 25 सालों में क्या मिला और इस शहर में तब्दीली क्यों जरूरी है। आप तमाम लोग यहाँ आए, हमारी बातें सुनी। मैं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होने के साथ साथ इस गली की बेटी भी हूँ, इस मोहल्ले की बेटी भी हूँ और इस मोहल्ले की बहू भी हूँ। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, आप जो हमारी बातें सुनी, इस बातों को अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में पहुँचाए और ये बताए कि इस शहर में अच्छी तालीम याफ्ता और समझदार सियासी सूझबूझ वाली तब्दीली की जरूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ ये शहर मेरे साथ है, मेरा निशान साइकिल है। और जो बच्चे ने कहा कि साइकिल मिलेगी क्या, तो मैं ये बोलती हूँ साइकिल जीतेगी, साइकिल मिलेगी और ये शहर का रास्ता भी इस लायक हो जाएगा कि तुम साइकिल चला पाओगे।